योगी की बात दरकिनार, यूपी में हार। हार की भरपाई करने को योगी तैयार। यूपी में बुरा हाल, योगी करेंगे बेड़ा पार। बाबा को नजरअंदाज करना पड़ा भारी। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये लाइन अभी बीजेपी पर बिल्कुल फिट बैठती है। सीएम योगी को नजरअंदाज करना इतना भारी पड़ा कि 62 सीट से 32 पर आसिमटी। शायद ही किसी ने सोचा था कि डबल इंजन की सरकार इस तरह फेल होगी। सियासत में दांव कब उल्टा पड़ जाए ये तो कोई नहीं जानता। जिस पार्टी को 2019 में 62 सीटें मिली थी, वही आज पार्टी 32 नंबर पर आसिमट गई। अब आलाकमान भी जरूर सोच रहा होगा कि सीएम योगी उत्तर प्रदेश के लिए कितने उपयोगी हैं। अगर बीजेपी योगी की बात को न टालती तो शायद आज परिणाम कुछ और ही होते। दरअसल बीजेपी का सबसे बड़ा पेच उत्तर प्रदेश में फंस गया। 2019 में 62 सीटें थी और इस बार फिर कम से कम 65 सीटों की उम्मीद तो लगा ही रखी थी। जाहिर है बीजेपी को बहुमत से दूर रखने में यूपी सबसे अहम भूमिका रही यूपी की, और वो सीट जीतने के मामले में समाजवादी पार्टी के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच गई। अब जरा सोचिए, जिस अयोध्या में इस साल श्री राम मंदिर में प्रभु श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई हो, उसी अयोध्या में बीजेपी के उम्मीदवार लल्लू सिंह चुनाव हार गए। उत्तर प्रदेश के नतीजों ने बीजेपी का सारा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी का यह हाल क्यों हुआ, वो भी तब जब डबल इंजन की सरकार के दम पर बीजेपी यूपी को सबसे विकसित राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही थी। तो विकास के साथ राम मंदिर और दूसरे कई मुद्दे भी थे, तो आखिर कमी कहाँ रह गई? वजह नंबर 1, स्थानीय मुद्दों को गंभीरता से नहीं लिया। वजह नंबर 2, मौजूदा सांसदों के खिलाफ नाराजगी को नजरअंदाज किया। वजह नंबर 3, सबसे कम अनुपात में यूपी के मौजूदा सांसदों के टिकट काटे। बीजेपी मोदी और यूपी में योगी के चेहरे पर तो चुनाव लड़ रही थी, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं थी। पीएम मोदी और सीएम योगी ने ताबड़तोड़ रैली कर बीजेपी समर्थकों में उत्साह भरने में कोई कमी नहीं की, लेकिन स्थानीय मुद्दों को लेकर बीजेपी में उतनी संजीदगी नहीं दिखी जो उसे दिखानी चाहिए थी। विपक्ष बीजेपी के खिलाफ नैरेटिव पर नैरेटिव गढ़े जा रहा था। लोकल मुद्दों को नजरअंदाज करने की वजह से बीजेपी को भारी नुकसान हुआ और कई सीट उसने बड़े कम अंतर से गवाई, और नतीजा ये हुआ कि 2019 के मुकाबले इस बार यूपी में बीजेपी की सीटें आधी रह गई। सिर्फ यूपी में सीट कम होने से बीजेपी बहुमत के जादुई आंकड़े से दूर रह गई। लेकिन ये भी सत्य है कि सीएम योगी की बात को नजरअंदाज नहीं किया होता तो आज परिणाम कुछ और होते।